हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको CITS इलेक्ट्रिशियन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो भारत स्किल पे डाला हुआ है, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिज्म, एसी सर्किट, पावर फैक्टर। तो लेवल वन का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा और ये वीडियो पार्ट वन है। नेक्स्ट पार्ट टू में मैं लेवल टू का क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तो लेवल वन का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। अगर यहाँ पे इंडक्टेंस का पूछ लेता तो इंडक्टेंस का हो जाता है हेनरी। इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ लेता तो कूलम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, तो क्वेश्चन टू हमारा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द परमेंस? परमेंस का यूनिट क्या होता है? तो परमेंस क्या होता है? तो रिलक्टेंस का परमेंस उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो रिलक्टेंस के यूनिट बोलेंगे तो क्या होगा? एम्पियर टर्न पर वेवर होता है। तो परमेंस रिलक्टेंस का उल्टा है, तो इसका हो जाएगा वेवर पर एम्पियर टर्न। तो राइट आंसर वी। नेक्स्ट, बीच रूल इज द अप्लाई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए द सोलेनाइड कॉयल। सोलेनाइड कॉयल का, कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको किससे डिफाइन करते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे फोर, तो व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन बी एच कर्व? बी एच कर्व में जो ये देख रहे हैं, जो एक्स मार्क है, इसका क्या नाम है? तो कोएर्सिविटी नाम है, या इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो ए पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है सेचुरेशन पॉइंट, इसको बोला जाता है सेचुरेशन पॉइंट। तो नेक्स्ट, तो पचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रिलक्टेंस? तो रिलक्टेंस बराबर क्या हो? तो रिलक्टेंस बराबर होता है, इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो रिलक्टेंस बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट वाई फ्लक्स। फ्लक्स ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये करंट का एम्पियर हो गया, नंबर ऑफ टर्न का टी होता है, और फ्लक्स का वेवर होता है। तो इसका राइट आंसर सी, एम्पियर टर्न पर वेवर, एम्पियर टर्न पर वेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखेंगे, बीच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो फ्लक्स घनत्व को परिभाषित करता है वह हमेशा चुंबक बल से पीछे रहता है, तो वो होता है हिस्टैरिसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी? अब फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं? तो फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है, इसको बी से डिनोट किया जाता है फ्लक्स डेंसिटी को। इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होता है फ्लक्स फाई बाई एरिया, फ्लक्स बाई एरिया। इसको फ्लक्स का एसआई यूनिट बात करेंगे तो वेवर हो जाएगा, एरिया को बोलेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से कि एक वेवर, और इसी को एक वेवर और एक मीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 टेस्ला। इसको बोल देते हैं टेस्ला, टेस्ला। तो इसका आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा, टेस्ला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एम एम एफ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट आई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एम्पियर पर टर्न। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ससेप्टेंस? तो जो ससेप्टेंस होता है वो रिएक्टेंस का उल्टा होता है। तो रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो ससेप्टेंस का यूनिट क्या होता है? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोहो, या इसको बोल सकते हैं साइमन। एक और यूनिट होता है इसका साई साइमन, साइमन। इसका एक और यूनिट होता है साइमन। तो ससेप्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मोहो या साइमन, जो ओम का उल्टा होता है। नेक्स्ट, बीच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द
थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ इफ लाइन वोल्टेज वी एल एंड लाइन करेंट आई एल। अब रिएक्टिव पावर पूछ दिया, तो रिएक्टिव पावर से पहले दिमाग में आता हम कि इसमें जो थीटा होगा वो साइन थीटा होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वी एल रूट थ्री इंटू वी एल आई एल इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ पे रिएक्टिव पावर, यहाँ पे एक्टिव पावर की बात करता तो फिर ये आंसर हो जाता एक्टिव पावर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपरेंट पावर इन द सिंगल फेज। एपरेंट पावर बोल रहा है जिसमें कोई एंगल नहीं होता है, तो एपरेंट पावर बराबर होता है वी इन टू आई। अगर यहाँ पे सिंगल फेज रिएक्टिव पावर की बात करता तो डी आंसर हो जाता, अगर एक्टिव पावर की बात करता तो सी हो जाता। तो ये पूछा है अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर होता है वी इन टू आई। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। या बड़ा यूनिट बना सकते इसका, और बड़ा यूनिट करेंगे तो क्या किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, मेगा वोल्ट एम्पियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन द थ्री फेज एसी सर्किट। थ्री फेज एसी सर्किट, थ्री फेज जो एसी सर्किट होता है जैसे ऐसे होता है, ये हो गया, इसको मान लिया आर वाई आर वी और वाई, तो इनके इनके बीच में जो एंगल होता है 120 होता है, कितना 120 होता है, तो राइट आंसर वी 120 होता है। तो थ्री फेज एसी सर्किट में क्या होता है, जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वह 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालने बोल रहा है, तो इफ द आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल सी सर्किट है उसमें, तो बोल यहाँ पे कंडीशन दिया इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है, जब कम होता है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है जेड बराबर इम्पीडेंस बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखता तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाता है, जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि लेस देन इंडक्टिव रिएक्टेंस लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करेंट ऑफ दिस सिंगल फेज आर सी पैरलर सर्किट। तो पैरलर सर्किट एसी की बात किया है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आई एल, आई एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट इज 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्री फेज एक्टिव पावर। अब यहाँ पे एक्टिव पावर बोला है, एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज वी एल एंड लाइन करेंट आई एल एंड फेज एंगल थीटा। थीटा भी दिया होता है, एक्टिव पावर से दिमाग में आता है कि कॉस का है, कॉस होगा, तो यहाँ पे आई एल दिया है और वी एल दिया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, रूट थ्री इंटू वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाइव। अगर यहाँ पे रिएक्टिव पावर पूछता तो ए हो जाता है साइन वाला। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर के बराबर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आर एम एस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू। क्या होता है, आर एम एस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू, तो राइट आंसर बी, आर एम एस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू, ये होता है फॉर्म फैक्टर। तो 70 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज द डिफाइन एज द टोटल अपोजिशन टू करेंट इन ए सी पैरलर सर्किट। तो ए सी पैरलर सर्किट जो होता है उसमें जो करेंट का अपोजिशन करता है उसको बोलते हैं एडमिटेंस। अब इसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरी का कभी वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें डिस्कस कर दूंगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल ए सी। तो साइनसोइडल के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि अभी बताए थे आर एम एस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू होता है, तो आर एम एस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू फिक्स होता है, इसलिए ए भी फिक्स होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडक्टेंस इन एसी पैरलर सर्किट। तो इंडक्टेंस जो एसी पैरलर सर्किट होता है उसमें इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या होता है, तो उल्टा होता है डी, इसको बोलते हैं ससेप्टेंस, ए इंडक्टेंस का उल्टा होता है पैरलर सर्किट में।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस आर एल सी सीरीज सर्किट। तो आर एल सी सीरीज सर्किट अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई कंडीशन नहीं देगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा इम्पीडेंस वाला रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू और वोल्टेज दिया हुआ वी। तो हम जानते हैं क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है सी इंटू वी होता है। तो यहाँ से सी निकालेंगे तो सी बराबर हो जाएगा क्यू आई वी। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फराड होता है, फराड बोल सकते हैं इसको, या कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी बराबर क्यू आई वी। तो दोस्तों लेवल वन में 21 क्वेश्चन थे जिसको मैंने डिस्कस किया, और लेवल टू का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो पार्ट टू करके आएगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।